मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चल में। भीड़ ने नाबालिग बच्चे को बांध कर दिया इलेक्ट्रिक शॉक और मोबाइल चोरी का था उसके ऊपर शक। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये हैरान कर देने वाला मामला। आखिरकार पब्लिक किसी नाबालिग बच्चे के साथ या किसी भी शख्स के साथ इस हद तक कैसे जा सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस बच्चे को देखने के बाद लोगों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि लोग इसको पकड़ के ऐसा शॉक क्यों दे रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर मोतीपुर थाना क्षेत्र के सारा गांव के नजदीक ही वहां पर एक मार्केट थी और वहां पर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया एक नाबालिग लड़का और उसके ऊपर आरोप था कि उसने मोबाइल चोरी किया है। और फिर क्या था, बस गाड़ी के साथ उसको रस्सी से बांध दिया और इलेक्ट्रिक शॉक लगाना शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होने लग गई और उसी दौरान ही वहां पर मौके पर जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र की पुलिस है जो वो भी वहां पर मौके पर पहुंची और उन्होंने नाबालिग को जो है वो जनता के चंगुल से छुड़वाया और छुड़वा के जो है उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल एडमिट किया और वहां पर उसकी ट्रीटमेंट करवाई और सही सलामत जो है माता पिता के पास छोड़ दिया। इसके बाद उस लड़के का जो पिता है उसने थाना जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसके बच्चे को जो है पीड़ित किया और शॉक दिया। अभी तो एक्चुअली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वहां की डीएसपी का कहना ये है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा, इसकी पड़ताल की जाएगी और जो लोगों ने ये काम किया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके ऊपर अभी एक्शन लेना बाकी है पर अभी सब चीजें खंगाली जा रही है कि आखिरकार लड़के ने चोरी की तो की कैसे। अभी तक इसके ऊपर कुछ भी चीजें साबित नहीं हो पाई है। लड़का बार बार बोलता रहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है पर फिर भी जनता जो है उसको मारती रही, शॉक देती रही। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।